क्या आप जानते हैं साबूदाना कैसे बनता है? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में साबूदाना व्रत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजों में से एक है। केवल कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो व्रत रहकर साबूदाना ना खाते हों, लेकिन 90% लोग यह नहीं जानते कि आखिर साबूदाना बनता कैसे है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साबूदाना किसी भी अनाज से नहीं बनता है और ना ही ये खेतों में उगाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनाया जाता है। साबूदाना सागोपाम नामक पेड़ के गूदे से बनाया जाता है और यह पेड़ मूल रूप से अफ्रीका का पौधा है। इस पेड़ का तना काफी मोटा होता है। हमारे भारत में साबूदाना बनाने की शुरुआत 1945-46 में शुरू हुई थी। दोस्तों, साबूदाना सागोपाम के जड़ों से बनाया जाता है। यह सागोपाम शकरकंद के प्रजाति से आता है, इसीलिए यह बिल्कुल शकरकंद की ही तरह जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी खुदाई करके इसके जड़ों को काट कर अलग कर लिया जाता है। फिर इनको धुलने के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके फलों को सागोपाम रूट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए इसको पानी से स्प्रे करके मशीन में अच्छी तरह से धो लिया जाता है। उसके बाद सारे सागोपाम जड़ों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पीलिंग मशीन में छीलने के लिए डाल देते हैं और ये मशीन सागोपाम के फलों के छिलकों को निकाल देती है। निकालने के बाद फिर से इसको पानी में साफ किया जाता है, जिससे उसमें लगे थोड़े मोड़े गंदगी भी साफ हो जाते हैं। यहाँ पर सारे काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद इन फलों का रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है और कई फैक्ट्रियों में तो ये सब काम मजदूरों द्वारा किया जाता है। उसके बाद सारे छिले हुए सागोपाम के जड़ों को एक ग्राइंडर मशीन में डाल देते हैं, जहां इनको बारीक पीसा जाएगा और इसी बीच में इसमें कई सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। पीसे जाने के बाद ये सफेद रंग के गाढ़े थक्के के रूप में बदल जाता है। इस मलाई जैसे दिखने वाले पाउडर में स्टार्च और फाइबर काफी मात्रा में मौजूद होता है और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, ये तो आप वीडियो के लास्ट तक जान ही जाएंगे। यहाँ पर कुछ कंपनियों का कहना है कि वो स्टार्च और फाइबर को मशीन में लगे फिल्टरों की सहायता से इसको निकाल देते हैं, यानी इसे रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उसमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ स्टार्च और फाइबर अलग करने के बाद जो पेस्ट निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि उसमें नमी की मात्रा घटकर 10-12% ना हो जाए। सूखने के बाद सागोपाम का पाउडर बड़े बड़े टीले के आकार में बदल जाता है, इसीलिए अब इनको फिर से मशीन में पीस जाता है और इसके बाद इसके अंतिम चरण की बारी आती है, जहां पर इसको साबूदाना का आकार दिया जाएगा। इसके लिए इस पाउडर को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सारे पाउडर को 1 mm से 7 mm तक के गोलाकार में बदल देता है। तो दोस्तों, फाइनली ऐसे ही तैयार हो जाता है साबूदाना। अब साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक छोटे बड़े पैकेटों में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मित्रों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।